हाँ तो भाई जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया, पर वो जो जमीन का ट्रेंड है, कितनी जमीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए? भ्रष्टाचार, अपराध और जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन, ये उदाहरण है, तो जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी? और यही कारण है भैया कि पहले भी जनता ने आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने दिया था, और इस बार तो इनका जो एक सीट थी वो भी नहीं होगी। हम लोग बहुमत के आंकड़े से वैसे ही बहुत ज्यादा आगे हैं भाई, जानकारी तो सबके पास हो जाती है ना मोटा मोटी, कि कितना क्या रुझान जा रहा है, किसके पास कितनी। तो हम लोग 325 तो हम लोग 5 चरण में ही हम लोग निकाल रहे हैं, कल 6ठे चरण के बाद और हम लोग की मजबूत परिस्थिति। अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को EVM में खेला होगा, जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है तो फिर काहे 300+ का दावा ये लोग करते रहते हैं, फिर क्यों झूठ बोलते रहते हैं? या तो ये बोल दें कि यहाँ पे खेला हो रहा है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि ये लोग बड़ी हार की तैयारी की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ संजीव सिंह। ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड को निलंबित किए जाने के बाद आज RGD कार्यालय में RGD के राष्ट्रीय प्रवक्ता सर राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एक बयान दिया था कि राजभवन से अधिकारी को कॉल जाता है, और इसी को लेकर के जब अभी चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सवाल किया गया तो उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि अभी ये लोग कह रहे हैं कि राजभवन से कॉल जा रहा है, कुछ दिन में यानी 4 जून को ये लोग कहेंगे कि EVM जो है हैक हो गया है। जब इतनी सारी जानकारी इन लोग के पास है तो फिर ये लोग क्यों कह रहे हैं कि 300 पार हम लोग को इस बार सीटें आएगी? आगे क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान इस मसले को लेकर के, पहले आप उनकी पूरी बयान को सुनिए। हाँ तो भाई जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया, पर वो जो ज़मीन का ट्रेंड है, कितनी ज़मीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए? ये बातें कहने से नहीं होता ना, जनता को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिएगा। कैसे होगा जनता को विश्वास जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने हैं, वहीं दूसरे उदाहरण महिलाओं के लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव की महिला के लिए शौचालय बनाया, उज्ज्वला दिया, आपको आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया, आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, जहाँ एक तरफ ये उदाहरण है वहीं दूसरे भ्रष्टाचार, अपराध और जिस तरीके से नौकरी के बदले ज़मीन, ये उदाहरण है, तो जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी? और यही कारण है भैया कि पहले भी जनता ने आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने दिया था, और इस बार तो इनका जो एक सीट थी वो भी नहीं होगी, 5 चरण के चुनाव नहीं और कल 6ठे चरण का हो जाएगा। हम लोग बहुमत के आंकड़े से वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे हैं भाई, जानकारी तो सबके पास हो जाती है ना मोटा मोटी, कि कितना क्या रुझान जा रहा है, किसके पास कितनी। तो हम लोग 325 तो हम लोग 5 चरण में ही हम लोग निकाल रहे हैं, कल 6ठे चरण के बाद और हम लोग की मजबूत परिस्थिति, और उसके बाद 5-7वें चरण में आप देखिएगा आते आते 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पार कर लें। कांग्रेस के आरोप पार करने के लिए राजभवन से खेला जा रहा है, विपक्ष का आरोप है राजभवन 400 का आरोप पार करने के लिए राजभवन से खेला किया जा रहा है, रात में अधिकारियों को बुलाकर। सुनिए, अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को EVM में खेला होगा, जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है तो फिर काहे 300+ का दावा ये लोग करते रहते हैं, फिर क्यों झूठ बोलते रहते हैं? या तो ये बोल दें कि यहाँ पे खेला हो रहा है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि ये लोग बड़ी हार की तैयारी की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। अभी तो EVM का पूरा रोना इन लोगों का बाकी है, उसकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, देखिएगा 4 तारीख सुबह से शुरू। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर चिराग पासवान ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये लोग अभी से ही रोना शुरुआत कर दिए हैं, रोने की शुरुआत कर दिए हैं, अभी तो EVM का रोना बाकी है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई तरह के आरोप लगाए हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ वादे करते हैं, निभाने का कोई काम नहीं करते। पिछले बार भी जनता ने इसको एक भी सीट नहीं दिया था और इस बार भी इनको एक भी सीट नहीं आएगा। और भी कई तरह की बातें कई चिराग पासवान आप भी सुने थे, क्या कुछ करते हैं आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।